हेलो फ्रेंड, M2 मसाला मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी टेस्टी टेस्टी दानेदार सूजी का हलवा। इसके लिए मैं चाहिए 1 कप सूजी, 3/4 चीनी, 1 कप घी और कटे हुए पिस्ता और काजू, साबुत ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को गरम करेंगे, इसमें 1 कप सूजी डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। इसे ड्राई रोस्ट करना है, बिना घी के ही रोस्ट करना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और सूजी को जब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। सूजी को मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें 4 चम्मच घी डालूंगी, लगभग आधा घी पड़ जाएगा। मैंने देखो आधा घी इसमें से मैंने बचा लिया है। देखिए आधा घी मैंने करीब बचा लिया है। अब इसमें साबुत ड्राई फ्रूट डालेंगे, इसको भी रोस्ट करेंगे और हल्का हल्का रोस्ट करना है इसको, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। ड्राई फ्रूट को मैं निकाल लूँगी, देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बचे हुए घी को नहीं निकालना है, घी को पैन में ही रहने देना है। अब इसी घी में मैं घी को रोस्ट करूँगी, और मैंने जो पहले सूजी रोस्ट करके रखी थी ना उसी को रोस्ट करना है दोबारा। देखिए सूजी को मैं दोबारा रोस्ट करने के लिए घी में डाल दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते रहें। सूजी रोस्ट तो होने लगी है, सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। देखिए धीरे धीरे सूजी रोस्ट होने लगी है, इसका कलर भी आने लगा है धीरे धीरे। देखिए इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर धीरे धीरे आने लगा है। थोड़ा से ऐसे और रोस्ट करेंगे। देखिए धीरे धीरे इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब देखिए इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे, 1 कप सूजी में 3 कप पानी, तभी तो बनेगा दाने दानेदार सूजी का हलवा, जिसे खा के बचपन की याद आ जाए। देखिए 3 कप पानी डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रह जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेज़ गैस पे हमको इसको नहीं पकाना है। धीरे धीरे इसको चलाते जाएं ताकि ये तली में ना लगे। मैंने यहाँ 3/4 चीनी ली है क्योंकि मेरे यहाँ कम मीठा पसंद करते हैं। आपके यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप 1 कप चीनी डालें, मतलब 1 कप सूजी में 1 कप चीनी, ज़्यादा मीठा अगर पसंद करते हो तो। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डालूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। हलवा को धीरे धीरे चलाते रहें ताकि वो तली में चिपके नहीं। फ्लेम को मीडियम ही रखें और धीरे धीरे इसको चलाते रहें। देखिए धीरे धीरे उबाल आने लगा है, अब हलवा पकना शुरू हो गया है। चलाते रहें इसको। देखिए थोड़ा थोड़ा हलवा ठीक होने लगा है, तो चलाते जाएंगे। और इसमें अब कटा हुआ पिस्ता और काजू डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हलवा धीरे धीरे और ठीक होने लगा है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, चलाते रहेंगे। देखो ये पहले से भी ज़्यादा ठीक होने लगा है, अभी भी इसको कंटिन्यू थोड़ी देर तक चलाना है। देखिए इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगी है। अब इसमें मैं डालूंगी जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे ना, उसमें से थोड़े से बचा लिए गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें बचा हुआ घी डालूंगी। अगर आप घी ज़्यादा ना खाते हो तो इसे कम भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए घी की कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है।
इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको 3 या 4 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे 2-3 मिनट लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोलूँगी। देखिए अब तैयार है दानेदार टेस्टी टेस्टी सूजी का हलवा। इसका आप टेक्सचर देखिए, ना ज़्यादा ठीक है और ना ही ज़्यादा गीला है, एकदम परफेक्ट बना है। देखिए हलवा तैयार है, अब इसको मैं सर्विंग प्लेट में सर्व करूँगी। इसमें बचे हुए जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट थे ना, उसी से गार्निशिंग करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।